तो बच्चों आज इंडिपेंडेंट डे, सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं हम, क्यों आज हम इंडिपेंडेंस डे इतना अच्छा सेलिब्रेट करते हैं। ये एक फेस्टिवल है और इंडिया का मुझे लगता है सबसे बड़ा फेस्टिवल है। क्यों? क्योंकि इस फेस्टिवल के वजह से हम और फेस्टिवल मना पाते हैं। हम सब लोग वो हैं जिन्होंने गुलामी नहीं देखी है, जिन्होंने गुलामी, जब हम थे गुलाम, हमारा भारत गुलाम था, तो बहुत लोगों ने बलिदान दिया, बहुत कुछ करा, जिसके वजह से आज हम इंडिपेंडेंट हैं। और आज 73 इंडिपेंडेंट डे मना रहे हैं हम। इस 73 इंडिपेंडेंट डे के दिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम आज इंडिपेंडेंट तो हो गए हैं, पर कई सारी नई चीज़ों पर हम डिपेंड होते जा रहे हैं। इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस की इन 73 ईयर में, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट के फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में हो या साइंस के फील्ड में हो, पर कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी पे अभी डिपेंड होते जा रहे हैं। तो मैं आप बच्चों को सभी को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आपको इन चीज़ों से थोड़ा, जैसे मोबाइल फ़ोन एक बहुत अच्छा इन्वेंशन है हमारे लिए, हम हमेशा अपने उसे कनेक्ट रह सकते हैं, पर आज उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा बन गए, उसको हम छोड़ नहीं पाते। आज आप सब बच्चे आए हो, सबके पास स्मार्टफोन है, पर स्मार्टफोन का स्मार्ट यूज नहीं करते आप। तो मैं चाहता हूँ कि ये 15 अगस्त के दिन आप समझो कि उसका मिनिमम यूज़ करना है। वो इसलिए दिया आपके पेरेंट्स ने कि वो आपसे कनेक्ट रहें, पर आप उनकी जगह बाकी सबसे कनेक्ट रहते हो। फेसबुक, इंटरनेट, ये आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन गई हमारे जीवन की। तो मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों से आज के दिन, क्योंकि आप सब डिफेंस में जाना चाहते हो, और मैं चाहता हूँ कि आज आप अपना मैसेज भी दो, आपके माँ बाप भी आपको देखें। बहुत सारे बच्चे चले गए पर आप नहीं गए हो तो कुछ सोच के नहीं गए होगे, क्योंकि अगर आप जाते तो आपके कम से कम 4 से 5 दिन ख़राब होते और आपको 3 महीने बाद एग्ज़ाम देना है, और वो 3 महीने बाद रिटर्न देना नहीं है, रिटर्न को क्वालिफाई भी करना है, क्वालिफाई करके SSB भी निकालना है। और हर एक बच्चा जो डिफेंस में जाना चाहता है वो जब ही डिफेंस में जा सकता है जब वो ये ठान ले कि जब तक नहीं होगा, जब तक मैं एंट्रेंस देना बंद नहीं करूँगा, जब तक SSB में फाइनल सिलेक्ट नहीं होगा, जब तक SSB देना बंद नहीं करूँगा, फिर आपके पास डिफेंस में जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी एंट्री हैं, पर वो विल पावर, वो जुनून होना चाहिए। और कंट्री के लिए कुछ करने का मतलब केवल डिफेंस में जाना नहीं होता, कंट्री के लिए कुछ करने का मतलब आप किसी भी फील्ड में रह के कर सकते हो, पर आपने डिफेंस चुना है तो कुछ सोच के सोचा होगा। अपने नेशंस को आगे अगर बढ़ाना है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम खुद डिसिप्लिन बने, खुद रिस्पॉन्सिबल बने, और वो हर काम जो आपको लगता है गलत है उसको छोड़ें, और वो हर इंपॉर्टेंट चीज़ जो करनी चाहिए वो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक रिस्पॉन्सिबल कैसे बन सकते हो, आज अगर स्वच्छता अभियान चल रहा है तो उसमें कोई और नहीं, आपको खुद को रखना है, अपना घर, अपने आसपास के एरिए को क्लीन रखना है, वाटर सेव करना है, इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है, कहीं पर कोई झगड़ रहा है, कहीं पर कोई पीछे हो रहा है, डिप्रेशन में कोई है तो आपको मोटिवेट करना है, खुद को भी आगे बढ़ाना है और सबको बढ़ाना है। आप सेना में जाना चाह रहे हो, सेना में वो लोग जाते हैं जो उन लोगों के लिए कुछ कर रहे होते हैं जिनको वो नहीं जानते। बॉर्डर पे जो आज हम जिस वजह से इतने आज़ादी से घूम पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है कि बॉर्डर पे वो लोग हैं जिनको हम भी नहीं जानते और वो हमें नहीं जानते, फिर भी वो हमारे लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार होते हैं। आज 15 अगस्त है तो ऐसा नहीं है कि वो छुट्टी मना रहे हैं, या रक्षाबंधन है तो वो अपने घरों में, वो भी बॉर्डर पे हैं। और बिल्कुल वही चीज़ मैं चाहता था, इसलिए आप लोग नहीं गए तो बहुत खुशी है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने मैसेज दें, अपने पेरेंट्स को दें, अपने नेशंस को दें, और जो कमिटमेंट आज के दिन आप करें वो जीवन भर याद रखें, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और इस बात को ध्यान रख के ही आगे अपने आप को फोकस करें। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ राघवेंद्र पाटिल, आई एम कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। आई हैव टेकन 10 रेजोल्यूशंस टू मेक दिस इंडिपेंडेंस फॉर अ बेटर इंडिया। कीप द कंट्री क्लीन, डू नॉट यूज, कीप द कंट्री क्लीन, do not break traffic rules, use public transport at least a week, at least once a week, never say what difference it will make, say yes to the change, make a new friend, celebrate a new festival, read the constitution of India, respect the women's and respect the freedom fighters. I hope we will together work for a betterment of India and make the India global leader. Thank you. Happy Independence Day. Hello friend, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को विश करना चाहूँगा कि 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ।
और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे हम लोग घर से निकलते हैं तो बहुत जोश रहता है हम लोगों के पास कि चलते हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे पढ़ाई पर और 6 महीने सिर्फ पढ़ाई करेंगे। लेकिन हम मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जैसे काफ़ी बच्चे मेरे साथ भी ऐसा हुआ यहाँ आते हैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम लोग क्या सोचे रहते हैं क्या मतलब मेरा टारगेट रहा था हमेशा हम लोग भटक जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आया था तो बीच में क्या होता है दोस्ती यारी फिर हो जाती नए नए लोग मिलते हैं दोस्ती यारी करें ठीक है लेकिन टारगेट हम लोग भूलने लगते हैं धीरे धीरे। क्या होता है कि दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने लगे काफ़ी बच्चे ऐसे मेरे अपने ही बैच में करने लगते हैं वो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब है अपने लोगों के लिए कि टारगेट हम लोग भटक जाते हैं। बस यही कहना चाहूँगा कि अपने टारगेट को जब एक बार मान लिए तो उसको हमेशा फोकस करना चाहिए और उसके लिए पर डे का एक जो टारगेट हम लोग बनाते हैं कि मुझे जैसा सर पढ़ाते हैं कि इस चैप्टर को तो क्या करते हैं इसको सोचते हैं कि कल कर लेंगे और यही चीज़ सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि बाद में हम लोग रिजेक्ट होते हैं। देखिए जो अभी बोला इसने कितना इम्पॉर्टेंट बात है, आप सब जब आए हो तो बहुत जोश के साथ आए हो पर वो कमिटमेंट हर दिन बढ़ना चाहिए वो कम नहीं होना चाहिए और वो आता है सेल्फ डिसिप्लिन से। और आप सब सेना में जाना चाहते हो तो सेना का पहला प्रिंसिपल ही यहीं से स्टार्ट होता है कि जिसमें डिसिप्लिन वाली क्वालिटी नहीं है वो सेना के लिए बिल्कुल प्रॉपर कैंडिडेट नहीं हो सकता। तो आप सब अभी भी वक्त है हमारे पास, हम समय रहते हुए होना ये चाहिए कि अगर एक दोस्त नहीं पढ़ रहा तो मोटिवेट करके बढ़ाएं। टीम और यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और सेना में यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूनिटी बनाए रखें। अगर कोई थक रहा है तो उसको बल्कि हम मोटिवेट करके उसको एनर्जी लेवल बनाएं। तो आप सब इस बात का ध्यान रखो कि अगर कोई निगेटिव सोचता है तो हमें उसे मोटिवेट करके आगे बढ़ाना है ना कि उसके साथ दे के खुद भी निगेटिव काम करने लगे। ये आप सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और 15 अगस्त के दिन मैं यही मैसेज दूंगा कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से फॉलो करो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक शर्मा एंड आई एम फ्रॉम भोपाल एंड आई वांट टू कन्वे अ कोट विच टच माय हार्ट इज थाउजेंड्स ऑफ पीपल लेट देयर लाइफ डाउन टू लेट अवर कंट्री सेलिब्रेट दिस डे। ये कोट मेरे को कहीं ना कहीं टच करता है। तो हाँ, जो मेरा मोटिवेशन है डिफेंस में जाने का वो ये है कि मेरे फादर्स भी आर्मी में थे एंड जो मोटिवेशन है आर्मी में जाने का वो कि मुझको यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लगती है और कोई मेरे को बचपन से मेरा ये सपना था कि कोई मुझे सैल्यूट करे। तो ये दो चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं डिफेंस में जाने के लिए। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूँ। जो चीज़ें मुझे मेरे लक्ष्य से भटकाती हैं मैं उन्हें त्याग कर उन चीज़ों को अपनाऊँगा जो मुझे मेरा लक्ष्य अचीव करने में मेरी मदद करती हैं। और मैं अपने माँ बाप को यही संदेश देना चाहूँगा, वो मुझ पर बिलीव रखें एवं हमेशा मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। माय नेम इज़ लालू कुमार, आई एम फ्रॉम भागलपुर बिहार। आज स्वतंत्रता दिवस है और रक्षाबंधन भी है तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड आल्सो रक्षाबंधन डे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन के दोनों शब्दों का मतलब हम समझें, रक्षा और बंधन। बंधन का मतलब होता है कि हम एक दूसरे बंधे, मतलब हम सबको एक यूनिटी के साथ रहना चाहिए। तो इन दोनों वर्ड्स को हम आर्मी से रिलेट करके समझ सकते हैं। आर्मी का मतलब यूनिटी और रक्षा भी है, तो यहाँ से हम इन दोनों वर्ड्स को अच्छे से समझ सकते हैं। उसके अलावा आज कुछ नहीं, बस जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। माई नेम इज़ प्रणव, आई एम फ्रॉम चित्रकूट उत्तर प्रदेश। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, एज स्पेशली टू द पीपल ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 73rd इंडिपेंडेंस डे, ग्लोरियस 73rd इंडिपेंडेंस डे। सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी शुड अटेंड द फ्लैग सेरेमनी विच इज़ इनिशियल द रिस्पेक्ट टूवर्ड्स अवर नेशन। सेकेंड, we should always give priority to our nation as the first, and third is that we should always respect to our army soldiers who day and night serve for us, as they serve for us from protect ourselves from the nations like Pakistan, China, etc. Then so once again, happy independence day and rakshabandhan to all of you. Thank you. Hello, I am Mayank, I am from UP. Happy Independence Day to all people in Indian nation and my family. I would like to say one sentence, there is a 100-mile of journey begin with the first step. So this is our first step of our life, and when you go through the first step,
then you will not wait to achieve your goals. You will go continuously and do aim your achieve and grasp your achieve. Thank you. Good morning, everyone. First of all, my name is Abhijit Kumar Giri. I am from Bihar, Samastipur district, and I love to be here. Recently, I had a physics class. Now I had a session for interacting with everyone. Again, we will have a math class. So this is the part of training. Many people says that we will go NDA, we will get selected, and after that we will have a training over there. But this is not like that. We are already training having started from here only, and we are under the process to get molded to join our defense forces. The thing that I would like to convey a message to everyone is that we should leave the perception, we should remove the perception of Army and Navy that only Army and Navy can serve the nations or defense forces can serve the nation. This is our responsibility to serve the nations, and we have to go ahead for this perception, then only our country can be developed and will be a more developed. Once we start taking a responsibility, everything will be converted into development system. So with this, I thanks everyone. Thank you. Hello friends, my name is Aman Gupta and came from Kolkata. First of all, you very happy Independence Day and Raksha Bandhan to all of you. मैं अपने parents खासकर अपने भैया और मम्मी पापा को ये बताना चाहता हूँ कि उन्हें जो जिस के लिए मुझे यहाँ भोपाल में भेजा है, सबसे पहले तो मैं उन्हें ये बताता हूँ कि मेरे अंदर में जो भी कमियाँ भी हो रही थी टेस्ट के दौरान, मैं उनको धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ, और मैं ये अपने आप से कमिटमेंट करता हूँ पापा कि मैं यहाँ से रिटर्न भी निकालूंगा और SSB भी क्लियर करके खड़कवासला में जो अंतिम पग होता उसमें आपकी वो तालियां मिलनी चाहिए। आप सब लोग वैसे भी ध्यान रखो कि डिफेंस के लिए आए हो, जब तक सिलेक्ट नहीं हो गए, जब तक एग्ज़ाम देना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि किसी की एज आखिरी एक सेशन है, आखिरी अटेम्प्ट है, एज ख़त्म हो गई, कोई बात नहीं, अगला क्या हो जाता है, चालू CDS चालू हो जाता है, फिर ग्रेजुएशन लेवल पे तो बहुत सारी एंट्री होती है, पर वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके अंदर वो जुनून है कि नहीं मुझे तो जाना है, क्योंकि आपने रास्ता चुना है तो इसको पूरा करना है, अपने बिल्कुल हर तरह से अपने इनपुट देना है। पता है ना आपको, सोल्जर जब लड़ने जाता है तो वो ये सोच के नहीं जाता कि बच के आएगा कि क्या करेगा, पर वो ये सोच के जरूर जाता है कि मैं अपना 100% दूंगा और अपनी कंट्री को, अपने नेशन को बचाऊंगा, फिर उसमें चाहे वो बच जाए, चाहे उसकी जान चली जाए, शहीद हो जाए, पर वो अपना 100% देता है। वही जोश, वही जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, तो उसके रिजल्ट आपको पक्का है कि मिलेंगे ही मिलेंगे। तो केवल आप अकेले नहीं, मैं आप सबको बोलूँगा, आप इतने दूर दूर से आए हो तो एक अच्छा रिजल्ट लेना है, और रिजल्ट के लिए पढ़ाई नहीं, सबसे पहले नॉलेज के लिए पढ़िए, क्यों जाना चाहते हैं वो विजन क्लियर रखिए, क्योंकि SSB में आप जब भी सिलेक्ट हो पाएंगे जब आपका विजन, आपका थॉट बिल्कुल क्लियर हो, आपको पता हो कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्यों आप नेशन के लिए, आप क्यों डिफेंस में जाना चाहते हो, वो क्लियर होगा तो आप SSB के फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट होगा, और वो क्लियर नहीं होगा तो कितने भी अटेम्प्ट लग जाएंगे कम हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखते हुए चलना है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, फर्स्टली हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। माय सेल्फ ऋषभ डोंगरे, आई एम फ्रॉम छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, एंड सर आई प्रॉमिस यू वन डे विल कम देन योर नेक्स्ट बैच विल आस्क मी अ क्वेश्चन दैट हाउ यू डिड एंड अदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे लिए कुछ कहने के लिए तो कुछ नहीं है, बस एक शायर बोलता हूँ, मत जियो धर्म के नाम पर, मत मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही धर्म है वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। बस ओके, थैंक यू। मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास राजपूत एंड आई एम फ्रॉम गुना। फर्स्ट, we are very lucky that we are born in a independent nation, and sir main aapko thank you bolna chahunga ki aap iske madhyam se sir main apni family ko happy raksha bandhan, meri sister se choti sister hai jiska naam sakshi hai, wo mujhse bahut pyar karti hai, and this is it was the first time that I celebrate this festival without my family, so it's very heart feeling for me, but I promise you, मेरे मम्मी पापा ने मुझ पर बहुत 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 विश्वास करके मुझे यहाँ भेजा, अकेले भेजा, किसी का कोई सपोर्ट नहीं लिया, और एक दिन मैं अपने पापा को प्राउड फील करा के रहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पापा थोड़ा वी आर फ्रॉम मिडिल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, इसलिए बट नथिंग, मेरा गोल मुझे क्लियर है कि मुझे करना क्या है, और मेरे पापा ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं, और इसलिए सर मैं आप प्लीज़ सर कमी प्लीज़ सर
मेरे फैमिली को सही है सर हैं, इन्होंने कहीं मैंने SSB दिया रिसेंटली, आई गेव SSB एंड आई एम स्क्रीन आउट, देन आई कम एंड मीट देम। मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा था, लेकिन सर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया। मैं थोड़ा बहुत लैग कर रहा था, लेकिन फिर मैंने अगले दिन से NDA की तैयारी स्टार्ट करी और सर ने कहा कि आपका जो भी छूटा है वो सब कुछ क्लियर होगा। उसके लिए सर थैंक यू, सर थैंक यू। गुड। देखो, अभी आप भले ही अपनी फैमिली के साथ नहीं हो, पर फैमिली के साथ हो भी, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो फैमिली के लिए तो कर ही रहे हो, नेशन के लिए भी कर रहे हो। और मैंने यही बात बोली अभी भी, और मैं हर बच्चे को बोलता हूँ, जब डिफेंस सोचा तो एक भी दिन नहीं रुकना, इवन NDA 2 के बाद अगले दिन से फिर से तैयारी चालू कर देनी। किसके लिए? NDA 1 के लिए। भले ही निकल रहा हमारा स्कोर भी हो रहा है, हमको दिख रहा है कि कट ऑफ क्लियर है, फिर भी, क्योंकि जब तक वो जुनून हमारे अंदर है, जब तक ये 5 चांसेस है कि हम सिलेक्ट हो सकते हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके माँ बाप को भी आप प्राउड करवाओगे, और आप सब अगर चाहते हो कि आपके माँ बाप प्राउड फील करें, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छी जगह पे जाना है जिससे कि वो प्राउड फील करें, क्योंकि आपका एक अच्छा अचीवमेंट वो खुद ही प्राउड फील करेंगे। पहले मैंने XY और नेवी और ASSR का भी फॉर्म फिल किया, तो पहले मैं क्या सोचता था कि मुझे आर्मी में जाना है, लेकिन फिर सर ने कहा कि तुम्हें NDA ही क्लियर करना है, तो वो कॉन्फिडेंस दिलाया कि हाँ मुझे ऑफिसर रैंक पे ही जाना है, क्योंकि अब मुझे समझ आता है कि हाँ कोई किसी के लिए कोई कुछ कम नहीं है, यहाँ सब बैठे सभी बनना चाहते हैं ऑफिसर, लेकिन सब में एक कमिटमेंट होना चाहिए। मेरी इस SSB से पहले मेरी लाइफ बहुत बहुत अलग थी। पहले मैं एग्ज़ाम के लिए था कि कोई तो निकले, XY निकले, ASR निकले, NDA निकले, लेकिन मैं सर से मिला, सर ने कहा कि तुम XY का पेपर देना, निकालना, लेकिन ज्वाइन नहीं करना। ज्वाइन क्या करना है सर? NDA ज्वाइन करना है। वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और आफ्टर SSB आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू क्रैक द NDA 2 एग्ज़ाम। थैंक यू। गुड। जय हिंद, जय भारत। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखो, आप सभी लोग देने वाले एग्ज़ाम, आप जिस चीज़ के लिए आए हो ना, जैसे यहाँ पर बच्चे IIT के लिए भी आते हैं, MC के लिए भी आते हैं, जो जिसके लिए आता है मैं बोलता हूँ वही सोचो। ऑप्शंस मत रखो कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये नहीं मिला तो ये कर लेंगे। अगर डॉक्टर बनना है जीवन में तो डॉक्टर ही बनो, कंपाउंडर मत बनो। अगर आपने सोचा है कि ऑफिसर रैंक पर जाना है तो उसके लिए मेहनत करो, आपको लगता है किसी और रैंक के लिए जाना है उसके लिए मेहनत करो, पर जो एक डिसीजन लिया उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए जीवन में। कभी भी इधर उधर गोते खाओगे तो दिक्कत होगी कि नहीं चलो ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। आपका आपने अगर आप में से किसी ने भी XY का भरा है तो देना भी और सिलेक्ट भी होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर अपना फोकस कभी भी अपना हटाना नहीं, इस बात को ध्यान रखते हुए चलो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम लक्की राठौर एंड आई एम बिलोंग टू इंदौर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश टू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड रक्षाबंधन, एंड आई गिव माय पेरेंट्स टू विश हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सर, मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ, मैं मोबाइल से बड़ा डिस्ट्रैक्ट हूँ, तो मैं मोबाइल को कम यूज़ करूँगा अब, और अब मैं मेरा 100% दूँगा और एग्ज़ाम क्रैक करूँगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कुणाल मोरे, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन हमें जो हमारे जो देश के महापुरुष है उनके जो व्यक्ति महत्व है उनके जानने और समझने का दिन है, और मैं आज के इंडिपेंडेंस डे में ये कमिटमेंट करना चाहता हूँ कि मैं वो जो महापुरुष अपने देश के उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मुझे कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं बहुत निगेटिव में चला जाता हूँ। तो अगर ऐसा देखे तो अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनको एक बार उनके पिताजी ने बोल दिया था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर उन्होंने इतनी अपनी जिद से इतना किया कि वो उनके सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने IAS क्रैक कर दिया था, तब कि ब्रिटिश के जब अंडर गवर्नमेंट में थे तब। और मैं मुझ में पेशेंस की भी बहुत कमी है। अगर सर जैसे कि बोलते हैं कि हमारा जो आज है वो कल से बेहतर हो, मैं हर दिन ट्राई करता हूँ मगर वो हो नहीं पाता मुझसे, तो फिर मुझसे पेशेंस की कमी है। तो मैं गांधी जी का जो व्यक्ति महत्व उनसे सीखना चाहता हूँ कि मैं पेशेंस आए मुझ में, और बस यही। हेलो एवरीवन, आई एम देवभवन पटेरिया, आई एम फ्रॉम भोपाल। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। Today, this Independence Day, I'm going to be independent from the shackles of social media. I'm going to be independent from my laziness and just focus on my work. I pledge to be honest, responsible, and keep my surroundings clean and stay fit, because fit minds can only reside in a fit body. Lastly, I just want to promise myself
to stay focused and just do my work or whatever job I have with full honesty and dedication. We are a nation of 1.4 billion people, and if all of us just do these little things, then no one can stop our country from being at the top. So I'm going to do this for myself, for my parents, and for my country, and we all are going to do it for our nation. Thank you. Jai Hind. Good morning, everyone. I am Tanmay Deshmukh. I came from Yavatmal district, Maharashtra. First of all, happy Independence Day to you all. May this Independence Day fills your life with prosperity, happiness, and proud to be part of such glorious nation. I want to convey a message to my parents that I will came home after getting my joining letter. Yes, thank you. Hello, everyone. My name is Udit Sharma. I am from Alwar district of Rajasthan. First of all, I would like to wish you all a very happy Independence Day. I am very grateful to my parents, as everyone are here, for sending me here and believing on me. मैं उनको बस यही बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ. उसके अलावा हर किसी का कोई ना कोई आइडल होता है, मेरा भी है, पर मेरे सिर्फ एक ही आइडल है, मेरे चाचा जी, माय अंकल, जो अभी फ़िलहाल लेह में पोस्टेड हैं. मैं हमेशा उनको बताना चाहूँगा कि मैं जब भी सोता हूँ मैं सिर्फ एक ही चीज़ इमेजिन करता हूँ, मेरी NDA की पासिंग आउट परेड और उनके हंसते हुए चेहरे. थैंक यू. सुप्रभात. स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं. मैं कुलीन कुमार बिहार का हूँ और रहता बंगाल में हूँ, पश्चिम बंगाल में. तो इधर बहुत लोगों ने बहुत बातें कही, इधर जितने भी है और जो देख रहे हैं वीडियो, उन्हें सभी सबको ही सही और गलत का फ़र्क पता है. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा देश सही मायनों में तभी आज़ाद होगा जब हम सही काम करें. तो अपने दिल पे हाथ रख के वही काम करें जो सही लगे आपको, और स्वस्थ रहे और सतर्क रहे हमेशा. और मैं अपने पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने कमज़ोरी पे बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ. मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने मुझ पर विश्वास किया और इधर भेजा, और मैं आपका विश्वास को कभी नीचे नहीं उतरने दूंगा. मैं बहुत मेहनत करूंगा और ज़रूर सफलता को चूमूंगा. धन्यवाद. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. एंड आई वुड लाइक टू से दैट वी हैव वॉन द 50% बैटल एज वी हैव जस्ट लेफ्ट आवर होम. ओके, सो आई वॉन्ट से दैट येस वी विल मेक इट, एंड वी हैव दैट पोटेंशियल, एंड वी नो दैट येस we have that much in us, so that we could just leave our home for this for our sake. So thank you to Sharad sir, because of him only we are here, and yes, he is only our father, mother, everything you can say here. So thank you sir. Thank you. Hello everyone, my name is Yash Srade and I am from Itarsi, MP. Main sabse pehle sir, respected sir ka, Dr. Sharad sir, इन्होंने बहुत हमारे डाउट सॉल्व करते हैं, इनका धन्यवाद. और मेरे सारे दोस्तों, ये भी बहुत मदद करते हैं हमारी पढ़ाई में, और मेनली डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देते ये लोग हमें. और ये बहुत से हैं हमारे साथ, विक्रम जैसे, दिव्यांशु, ये सारे जो सिर्फ मोटिवेट करते हैं कि हाँ हमें NDA निकालना और क्रैक करना है. तो सबसे पहले इनका धन्यवाद. और बस यही मैं वो करूँगा कि मैं अपने सारे रिजोल्यूशन पे खुद की कमिटमेंट पे खड़ा रहूँ और NDA क्रैक करूँ. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अमर कुमार एंड आई एम फ्रॉम बिहार, पटना डिस्ट्रिक्ट. एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, एंड ऑल्सो हैप्पी रक्षाबंधन. सो वॉट आई थिंक आई डिसाइडेड दिस डे इज दैट आई एम गोइंग टू लिव होल माई लाइफ वेरी हैप्पीली एंड फेस ऑल द प्रॉब्लम्स, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन विद माई परफेक्ट स्माइल एंड हैप्पीली. थैंक यू. दैट्स इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू. आई वॉन्ट दैट यू शुड ऑल्सो फॉलो दिस, because you will get lots of confidence and face every situation in your life. Thank you. Happy Independence to all of you. Myself, Shiv, and I am from Gujarat. First of all, I would like to thank my parents for sending me here, and I would convey the message that always respect your parents and motherland, because these two things are everything for us. Thank you. Very good morning to all of you. My name is Abhishek and I'm from Prayagraj, and wish you a very 73rd Independence Raksha Bandhan too. So I want to tell my mom and dad that I come here for this little sacrifice. It is worth it, and will show you in the last day of my training, and I will let you know. And I'll be honored that you both and come and put stripes on my shoulder. And on this day, every citizen with a
On this day, every citizen goes with a festive feelings and pride to the unity and diversity of the people. But not only celebrating the Independence Day, but also for the unity and diversity of the country. And at the last, I want to say that I want to improve and overcome all the fear that I have, and I will become a better person in my life. So end of this, I want to say that जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रजहार नहीं वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. Thank you. मेरा नाम अभय कुमार है, मैं यूपी से हूँ. सबसे पहले मैं सबको सुधार करना चाहता हूँ. और सर मैं बताना चाहता हूँ सर, जब मैंने एग्जाम में पहली गलती की थी एनडीए वन में, वो मैं दोबारा गलती नहीं करना चाहता हूँ और उसमें सुधार करना चाहता हूँ. सर जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं जो भी मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरी वन. सो सर थैंक यू सर. हेलो एवरी वन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड रक्षाबंधन टू. सो आई एम हियर टू स्पीक जस्ट फ्यू वर्ड्स दैट बिफोर कमिंग हियर आई वॉज नॉट मच मोटिवेटेड अबाउट दिस. बट मैं जब यहाँ पे आया फिर मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी कंपटीशन है एंड ऑल, सब बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं उन्हें देख के मोटिवेट हुआ. मैं ये नहीं कहूँगा मैं किसी और को देख के मोटिवेट, बट मैं अपने बैचमेट्स को देख के ही मोटिवेट हुआ. एंड आई वुड लाइक टू से दैट कि आप सब भी इधर हैं, सब अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हैं. तो मैं बस इतना सा कहना चाहूँगा कि आप सब पढ़ने आए तो प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि मैंने देखा है कईयों को फिर उसके बाद उन्होंने भी मतलब डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, बट मैं उन्हें कोई भी मतलब माइंड नहीं करता. बस अपने एक गोल पे फोकस्ड हूँ. फिर उसके बाद मैं एक बार कहना चाहूँगा अपने पेरेंट्स से कि उन्होंने मुझ पे बिलीफ रखा और मुझे यहाँ भेजा, तो मैं अपने गोल्स को अचीव करने के बाद ही घर वापस आऊँगा, इतना मैं बोलना चाहूँगा. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंट डे ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स. आई एम खुमंसना फ्रॉम उड़ीसा बलांगीर डिस्ट्रिक्ट. मैं मेरे पिता माता को यही कहना चाहता हूँ कि उन्हें मुझसे इतना बिलीव करके यहाँ भेजा है, तो मैं उनका विश्वास तोड़ने नहीं दूंगा और एनडीए में सिलेक्ट होकर ही जाऊंगा. थैंक यू सर. हेलो जेंटलमैन, आई एम सागर कुंडू एंड आई एम कमिंग फ्रॉम मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल. इन द विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू. In today's Independence Day, I want to make a commitment, and I want all of you to make a commitment that keep each and every day make goals and try to achieve that. And we can learn from our independence struggle that all of the freedom fighters have kept away their distractions and focused on the struggle, freedom of India, and that's why they achieved it. So I want all of you to keep focus on your goal and achieve it. Jai Hind, Jai Bharat. Happy Independence Day to all. Myself Pritam Singh Rajput, I am from Belgaum, Karnataka. My main motto is to join Indian Armed Force to secure my family and my country and to live a life with pride. Thank you very much. My name is Vikas Bhaskar. आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को यहाँ पे पूरा विश्वास करके भेजा है कि मैं इंडिया निकल के आऊँगा, कि मेरा आज मतलब बर्थडे है, कि मैंने अभी तक कभी केक नहीं काटा है. मैंने ऐसे सोचा है कि जब मैं एनडीए में जाऊंगा तभी केक काटूंगा, इसके जगह नहीं काटा. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सहनवाज हुसैन, आई एम फ्रॉम बिहार. ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे वी शुड टेक द प्लेस दैट कि मैं जिस चीज़ के लिए आया हूँ, एनडीए के लिए आया हूँ, तो एनडीए क्रैक करके ही दम लूँगा, और जब तक एनडीए का परीक्षा पास नहीं कर लेता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा. थैंक यू सर. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे इज़ द इंडिपेंडेंस डे एंड आई वांट टू शेयर समथिंग अबाउट माई सेल्फ. दिस इज़ शिवेंद्र प्रताप राय फ्रॉम गोरखपुर यूपी. जब मैं यहाँ पर आया था तो फिर मेरे साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई जो कि मैथ से रिलेटेड था. मैंने एक बार सर से कमिटमेंट भी किया था कि सर मैं मैथ में अच्छा करूँगा. उसके पहले सर से मैंने कहा था क्या कि सर मुझको मैथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो सर ने क्या बोला, सर ने मेरे से ये बोला कि तुम यहाँ से मैथ के मास्टर बन के जाओगे, इसलिए मैं यहाँ से मैथ का मास्टर ही बन के जाना चाहता हूँ. और एनडीए में ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने टीचर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए एंड ऑल ओवर द नेशन के लिए सेलेक्ट होना चाहता हूँ. सो जय हिंद, जय भारत. हेलो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माई सिस्टर्स एंड As my friends have said many things, so I will not do the same. My message is only for my mother, that soon her son will be a verified officer of Indian Army, and I just aim it. Thank you. Hello everyone. First of all of you, happy Independence Day.
I am from UP, district Bulandshahr. बाकी तो सब जानते हैं, मेरा मैसेज घर वालों के लिए है और मैं हर रोज़ मिस करता हूँ अपने बहन, मम्मी, भाई और पापा. और मैं अपने पापा को कमिटमेंट देना चाहता हूँ कि पापा आप हर मोड़ पे मेरे साथ हमेशा साथ रहे हो. जहाँ पे कोई नहीं था वहाँ पे मेरे साथ साथ रहे थे, सब ने बोला फिर भी आप हमेशा साथ रहे मेरे. मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ, आपको एक दिन मैं प्राउड फील कराऊँगा. जय हिंद, जय भारत. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई नेम इज़ राहुल कौशिक एंड आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान. एंड विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड रक्षाबंधन टू माई बिग सिस्टर. एंड माई मैसेज इज टू फॉर माई फादर एंड माई सर दैट आई विल कमिटेड दैट नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे आई विल सेलिब्रेटेड इन NDA खड़कवासला. थैंक यू. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई नेम इज़ श्रवण सिंह शेखावत एंड आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान. मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ और पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ, घर वालों को भी कहना चाहता हूँ कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन. हमारे जो फिजिक्स के सर हैं विवेक सर, उनका ये कहना है फेक इट अंटिल यू मेक इट. तो अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ. अपन सब अपने अपने घर से दूर आए हैं यहाँ भोपाल में, तो जो अपने सोल्जर्स होते हैं वो भी बॉर्डर पे अपने घरवाल से दूर हो जाते हैं. और इंडिपेंडेंस डे उनका तो खैर कोई फेस्टिवल ही नहीं बनता, तो अपना भी सेम वैसा ही हो रहा है. तो ये फर्स्ट स्टेप है कि अपन ने ये सब क्लियर कर लिया है, तो अपन SSB भी क्लियर कर लेंगे और रिटर्न भी क्लियर कर लेंगे. तो मेरा बस यही कहना है कि जिस एम के लिए आए हो बस वही एम के लिए मेहनत करो, आप अचीव कर लोगे. और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा शरद सर को कि इनकी वजह से ही हम सब यहाँ आए हैं और इनको देख के हम मोटिवेट हो रहे हैं और इनसे हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है. तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा शरद सर को कि उन्होंने हमारा इतना साथ दिया. और सर आप आइए. थैंक यू सर ने मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो जो सर हैं उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि तुम मैथ्स आसानी से क्लियर कर लोगे, बस तुम्हें ज़रूरत है बेसिक्स पे, तो बस मेहनत करते जाओ सब कुछ मिलेगा. और सब इसलिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि सबको लेफ्टिनेंट तो बनना ही है ऑफकोर्स. और सर सर हमें इसके लिए ही तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए सर सर का थैंक यू कहना चाहता हूँ. ऑल द बेस्ट. और देखो, मैथ्स बैकग्राउंड होना नहीं होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम मेहनत करेंगे तो मेहनत के आगे सब संभव है. आप डिफेंस में जाते हो, आप ऐसी ऐसी सिचुएशन फेस करोगे जो एक नॉर्मल इंसान के लिए कल्पना से भी दूर है. तो ये तो मैथ से छोटा सा सब्जेक्ट है ना. गुड. और आपको ये कहना चाहता हूँ, बस जिस एम के लिए आया हो वही एम करो और उसके लिए मेहनत करो. और मैं आर्मी में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं वो बंदा बनना चाहता हूँ जिसके पीछे 23 से 26 जने हो, सोल्जर्स हों, जो कि अपनी जान देना चाहते हों सिर्फ एक कमांड पे, लेफ्टिनेंट की एक कमांड पे. तो मैं वो लेफ्टिनेंट बनना चाहता हूँ. और थैंक यू. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई नेम इज विकास कुमार ओझा, आई एम फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश टू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन. एंड मैं पापा से वादा करना चाहता हूँ कि आई विल स्टे टू माई गोल एंड मैं दीज बोलना चाहता हूँ हैप्पी रक्षाबंधन. थैंक यू. हेलो, मेरा नाम चंद्रवीर शेखावत है, मैं झुंझुनू राजस्थान से आया हूँ. और मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे पापा ने एक ही बात कही थी कि बस तुम मतलब मेहनत करते रहो, रिजल्ट की चिंता मत करो. और जब भी मैं पापा से फ़ोन पर बात करता हूँ तो वो मेरा कॉन्फिडेंस हाई करते हैं और मैं उनसे यही कमिटमेंट करता हूँ कि मैं यहाँ से आर्मी का ऑफिसर बन के जाऊँगा. थैंक यू. मेरा नाम संकेत वसंत कतोर है, मैं महाराष्ट्र कल्याण से हूँ. और मैं यही कमिटमेंट करना चाहूँगा कि मेरी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो है वो है मोबाइल और सोना. तो मैं सबसे यही कमिटमेंट करता हूँ कि मैं कम कर दूँगा वो सब. थैंक यू. अगर आप अपनी वीकनेस पे वर्क कर लोगे तो आपकी सक्सेस कोई रोक नहीं सकता, और वही एक चीज़ है जिस पे आपको वर्क करना है. मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज शांतनु, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र. आई एम हैविंग नथिंग मच टू से, आई वुड जस्ट लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड रक्षाबंधन. थैंक यू. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अजीत बेनीवाल, आई एम फ्रॉम राजस्थान एंड विश यू अ हैप्पी रक्षाबंधन डे. एंड आई वॉन्ट टू शेयर एनीथिंग regards my NDA and all after achieving my goal, so thank you. Good morning to all of you. First of all, happy Independence Day. Today I am here to promise of our my parents and sir to next I will crack the NDA exam and SSB, and after this uske baad hi main yahan se jaunga. Jai Hind dosto, first of all wish you many happy Independence Day and happy Rakshabandhan. मैं अपने पेरेंट्स को यही मैसेज दूंगा कि
हाँ मैंने गलती की है, अभी तक 100% नहीं दिया है, पर आज से प्रॉमिस है 100% और NDA में सेलेक्शन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शशिभूषण राणा, आई एम फ्रॉम बिहार पटना। और सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर और ये स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। हम ये चाहते हैं कि हमारा देश इंडिया ग्लोबल लीडर बने, लेकिन वो ग्लोबल लीडर अभी नहीं है। और हम चाहते हैं कि हम अपने देश को चेंज करें। जब तक आप खुद को नहीं चेंज करेंगे तब तक देश नहीं बदल सकता। और ये पहला है। और दूसरा, हम तरह तरह के कहीं से मोटिवेशन खोजते हैं कि यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिल जाए, यहाँ से मिल जाए। पढ़ाई के लिए कैसा मोटिवेशन? भाई, सेल्फ मोटिवेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप सोते हो, उठते हो, कुछ भी करते हो, आपके दिमाग में हमेशा और हमेशा NDA ही रहना चाहिए। तब कहीं जाके NDA क्रैक होगा। थैंक यू। बात आप सभी को, मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो हम इधर के लिए आए हैं, इस तरफ भोपाल में, हम सब जिस एम के लिए आए हैं वो एम कंप्लीट कर जाएं, और देश जिस एम की तरफ बढ़ रहा है उस एम को भी कंप्लीट करें। हम सब इधर पर तो अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा नागरिक होने का भी कर्तव्य निभाएं। कर्तव्य ये नहीं कि खाली दूसरी चीज़ों के ऊपर किसी को टोकना, वो कर्तव्य नहीं। कर्तव्य अपने आप से निभाएं कि हमको सिर्फ अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाना है, बाकी सारी दुनिया सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगी अगर हम सिर्फ अपने आप को सुधार लें तो। और ये हर किसी के अंदर अपना प्रण होना चाहिए। और अपने जवान और अपने किसान के लिए यही कहना चाहूँगा कि सबके लिए सिर्फ एक पेड़ लगाएं जो हमारे देश के एनवायरनमेंट को सुधारेगा, और जो प्रकृति घट रही है उसको फिर से हरा भरा खुशहाल देश बनाएंगे और फिर से देश को विश्व गुरु बना के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। मैं इंडिपेंडेंस डे के दिन यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी नेशनल फ्लैग होते हैं रोड पर पड़े रहते हैं, उनको एक तो उनकी इज्जत करें और उनको रोड पर फेंकें नहीं। और मैंने यहाँ पर आकर, भोपाल आकर, सर से एक ही चीज़ सीखी है कि फेस्टिवल के दिन भी कोई छुट्टी नहीं रखनी चाहिए। सर इनफैक्ट फेस्टिवल के दिन डबल मेहनत करते हैं और फेस्टिवल के दिन सबसे पहले आ जाते हैं। तो मैं यही अपने लाइफ में चेंज लाना चाहूँगा कि फेस्टिवल के दिन भी डबल मेहनत करूँगा, और जो मेरे पेरेंट्स ने इतने बिलीव करके मेरे को यहाँ पर भेजा है तो मैं अपना 100% देकर अपने गोल को अचीव करूँगा। सर मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आए थे तो वो मिल नहीं पाए थे आपसे, तो मैं एक बार आपके साथ। बिल्कुल। और विक्रम, अभी जैसे आपने बोला मेरे लिए फेस्टिवल का मतलब क्या है, मैं बता दूँ। और आपके लिए, मेरे लिए फेस्टिवल है जब बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, यानी आपका रक्षाबंधन, दिवाली, ये सब उस दिन है जिस दिन आपको सक्सेस मिलेगी। त्यौहार का मतलब ही ये होता है, इसलिए मैं हमेशा हर त्यौहार पे क्लास रखता हूँ, उसका रीज़न ही यही है। और मैं चाहता हूँ आप भी इस बात को ध्यान रखो कि आपका असली फेस्टिवल वो है जिस दिन आप जो एम को लेके चले थे वो एम अचीव करते हो। तो ऐसे ही आगे बढ़ो और जीवन में कभी रुकना नहीं है। दूसरा, आप सब लोग डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका फेस्टिवल है देश की रक्षा करना, यही है ना। तो हमें कभी भी रुकना नहीं है। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स के से कि मैं अपना 100% दूंगा और NDA में सेलेक्ट होकर ही आऊँगा। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरा नाम आकांशु प्रजापति है, मैं UP आजमगढ़ से हूँ, और मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं हो। लेकिन ये रक्षाबंधन मेरे लिए बहुत ही दुखद रहा है, क्योंकि जो मेरा फैमिली है उसमें हमारे सभी कजन्स और हम सभी लोग मिला के 10 भाई बहन थे, जिसमें इकलौती मेरी बहन थी जो अब इस संसार में नहीं रही, जो हमें 20 दिनों पहले छोड़ के चली गई, और मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। और फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ अपनी फैमिली को कि उन्होंने जो विश्वास किया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और हम जो कुछ दिनों से हमारे परिवार है उस पर बहुत दिनों से हमारे जो क्रिटिसाइज़ करते हैं गांव के लोग और ये लोग, तो हमारा फैमिली कभी एक अच्छा गांव में रखता था, एक अच्छा स्टेज रखता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारी फैमिली अच्छी कर रही है, लेकिन फिर भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लोगों का काम है क्रिटिसाइज़ करना, और इसीलिए मैंने डिफेंस को इसीलिए चुना ताकि मैं
अपने देश की रक्षा करूं, अपना जीवन तो एक होता है कि मतलब जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कि जो जीवन है ना वो इसका कब जान निकल जाए इसका तो कोई मोल नहीं है, लेकिन जब जान निकले तो वो देश के लिए निकले और कुछ कर दिखाने के लिए निकले, इसी उद्देश्य से मैं बोलना चाहूँगा। और मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस NDA के जरिए ऑफिसर बन के अपने परिवार का सम्मान वापस लाऊँगा और इस देश का नाम रोशन करूँगा, यही मेरा वादा है इस इंडिपेंडेंस। थैंक यू वेरी मच। देखो अभी आपने बोला आप घबराओ मत, आपकी सिस्टर आपके साथ नहीं है, वो तो कमी पूरी नहीं हो सकती। यस सर। पर वो कहीं ना कहीं आपके साथ है, वो आपको देख रही है। आपने इतने कम दिनों के बाद भी फिर से कमबैक किया, फिर से पढ़ाई चालू की, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कि लोग जब क्रिटिसाइज जब तक करते हैं जब तक हमारे पास कुछ नहीं होता है। जो लोग आज आपको लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं कल के दिन वही आपको एग्जाम्पल भी देंगे, है ना? तो हमें वो एग्जाम्पल बनना है। आपको पता नहीं है पर आपकी एक सफलता से ना केवल आपका परिवार, आपका परिवार, आपका सराउंडिंग, आपके रिलेशंस, आपकी जगह, स्टेट सब डेवलप होता है। इसलिए एक सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक फेल्यूअर कई लोगों को पीछे करता है, एक सक्सेस वैसे ही कई लोगों को आगे बढ़ाता है। तो अभी आपके ऊपर बहुत परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबसे खुशी की बात है कि आपने ये बात बिल्कुल शेयर नहीं करी और अपना कमबैक भी किया और फिर से पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ो। और सेना में जब हम जा रहे होते हैं तो सेना के लोगों में यही क्वालिटी होती है, आपके पास एक टीम होगी, आप आगे बढ़ोगे। हर कंडीशन हर सिचुएशन को फेस करना होगा, और कम से कम जो SSB में एक इम्पॉर्टेंट गुण है वो आप में आज ही दिखता है मुझे, और इस गुण को बनाए रखना है और आगे बढ़ना है। मैं एक बार फिर से अपने फैमिली को, पूरे फैमिली को, उनको वो हमेशा अपने धैर्य बनाए रखें और जो हुआ उसको भूलकर एक अच्छे खुशहाल दिन का वेट करें जो हम लाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग बिल्कुल खुश रहें और हमेशा सुखी और संपन्न रहें। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और मेरा नाम दीपक उपाध्याय है, मैं UP बदायूं से आया हूं, और मैं अपने माता पिता को सिर्फ यही एक मैसेज देना चाहता हूं कि उन्होंने जो मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे यहां भेजा है मैं उस पर खरा उतरूंगा और अपनी मेहनत करके NDA एग्ज़ाम पास करके ही घर लौटूंगा। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भट्टू कुमार बैरागी एंड आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। And I want to build my confidence and I want to be what I am. Thank you. देखो अभी जो भी आपने बोला ये आपके अपने थॉट थे, आप इस कमिटमेंट के साथ बढ़ो। जो जो मिस्टेक्स अभी भी हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपको लगता है जिन चीज़ों से आप बने हुए हो, आज इंडिपेंडेंस डे है तो जिन चीज़ों से बने हुए हो उनसे दूर होना है, अपना 100% देना है, इस बात के बिना चिंता करें कि रिजल्ट क्या होगा। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, रिजल्ट की चिंता करके पढ़ाई नहीं करना चाहिए, नॉलेज के लिए पढ़ो, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, जो रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा। आप अपना एक ही काम कर सकते हैं, वो है 100% देना, और वो 100% दो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।